भिंड जिले की शहर कोतवाली और मेहोना पुलिस ने 10 लाख रुपए की स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 95 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि शहर कोतवाली पुलिस ने इंदिरा नगर से एक दंपति को स्मैक बेचते हुए गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में स्मैक को मोहना से खरीदना बताया। भिंड से पकड़े गए दंपति की निशानदेही पर मेहोना में महिला डीएसपी पूनम थापा के नेतृत्व में मेहोना में छापेमारी की गई और स्मैक तस्करी में लंबे समय से संलिप्त रहे दंपति मथुरा सोलंकी और उनकी पत्नी मीना सोलंकी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। पुलिस को सूचनाएं मिली थी, इसी तारतम्य में यहाँ पे कोतवाली में जो हम लोग को एक आपका इंदिरा नगर भीमनगर वाला एरिया है, वहां पे एक सूचना मिली थी, वहां पे कुछ लोग जो है स्मैक की विक्रय कर रहे हैं। तो जब ये सूचना प्राप्त हुई तो वहां जब पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई तो वहां से एक आरोपी और एक आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके पास से करीब 25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। उनसे जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा मेहोना से स्मैक लाना बताया गया, और मेहोना में जिसके पास स्मैक लाना बताया गया वो पूर्व में भी काफी उसका इस विषय में चर्चा थी कि वो स्मैक सप्लाई करता है।